हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बोर्ड क्लास के पैटर्न पे दो क्वेश्चन, जो कि पहले भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो 2019 और 2018 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2018 के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे और उसको सीखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, जो कि 2018 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 2 कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 2 कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कब आया है, 2018 के बोर्ड एग्जाम पे आया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर होंगे और अगर नहीं होंगे तो आप लोग बुक स्टॉल पे चले जाइएगा, वहां अनसॉल्व मिलता है आप लोगों के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और कितने मार्क्स का आया हुआ है, तो 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं, अगर आप लोगों ने मेरे पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप लोग पहले जाइए और मेरे पहले के लेक्चर्स को देखिए, उसमें मैं बताया हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सारे बताया हूँ, कैसे उसको याद रखना है, कैसे उसको बनाना है। अगर आप एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं ऐसे फॉर्मूले, तो आप लोगों को मैंने उसमें ट्रिक बताया कि आप लोग कैसे याद रख सकते हैं और उसको कैसे तुरंत 2 मिनट के अंदर उस फॉर्मूले को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखना पड़ेगा, जिससे आप फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज देखते हैं। अगर ऐसा परिमेय के रूप में दिखा आपको क्वेश्चन, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिखता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, इसीलिए आप लोगों को क्या लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा। ठीक है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर पे जो भी फंक्शन है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों का क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग इसके साथ, और इस 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ। ठीक है, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, और बीच में अगर प्लस का साइन है, ये किसका साइन है, ये प्लस का साइन है, बीच में कौन सा साइन लगा देंगे हम लोग, प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, 2 × 2 करते हैं तो क्या होता है, 2 स्क्वायर। मतलब अगर सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं सेम नंबर के साथ, तो उसका स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन अगर साइन थीटा के साथ हो रहा है, तो क्या होगा, साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा के साथ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा के साथ हो रहा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस कॉस थीटा के साथ होगा, तो उसमें भी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो कैसे स्क्वायर लगेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा नहीं लगाएंगे आप लोग। ठीक है, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ और cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन cos थीटा के साथ नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसा मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं करेंगे कि 1 प्लस cos थीटा का 1 प्लस cos थीटा के साथ किए, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कैसे सॉल्व होगा, अब यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर आया, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी के फॉर्म पे ये आप लोगों को दिख रहा होगा। a की जगह पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, b की जगह पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, cos थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर, इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा देखते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 की a की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस b की जगह पे cos थीटा है, तो b स्क्वायर दैट मींस cos स्क्वायर थीटा, और लास्ट में 2ab दैट मींस 2 into 1 into cos थीटा। इस तरीके से अगर आप लोग इसको एक्सपांड करेंगे तो देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 into 1 into cos थीटा, ठीक है। ये आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब यहां क्या करते हैं, यहां हम लोग करते हैं इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन हम लोग बाद में करेंगे, अगर हमको लगेगा कि अंदर मल्टीप्लीकेशन करना है, ब्रैकेट ओपन करना है तो हम लोग करेंगे, अगर ब्रैकेट ओपन करना नहीं पड़ेगा तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। आप लोग इसको ब्रैकेट ओपन कर भी सकते हो यहाँ और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है, थीके? तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे मैं इस टर्म को क्या करता हूँ, जो न्यूमरेटर में है उसको रीअरेंज करता हूँ, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लेते हैं, इस वन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, वन, तो यहाँ पर वन लिख देते हैं, प्लस टू इंटू वन क्या होगा, टू कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है। रीअरेंज कर दिए हैं और कुछ भी चीज नहीं किए हैं इस टर्म में, देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या किए, एक साथ रख दिए। वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा, तो यहाँ पर वन रख दिए। टू इंटू वन क्या होगा, टू कॉस थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम लोग कुछ नहीं किए हैं, रीअरेंज कर दिए नीचे वाले डिनोमिनेटर को, या फिर हम लोग हर बोल सकते हैं उसको, हम लोग एज इट इज यहाँ पर नोट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, सभी फॉर्मूला मैं यहाँ राइट साइड में लिखते जा रहा हूँ, आप लोग सभी फॉर्मूले को याद रखेंगे और आप लोगों को जो भी फॉर्मूला नहीं पता होगा उसको फिर से लिखते जाएंगे। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन, क्या होता है, वन होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर वन पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा, वन प्लस इस पूरे टर्म के जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, यहाँ पर वन पुट कर दिया, ठीक है। पूरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया, हम लोगों ने वन पुट कर दिया। तो वन प्लस यहाँ पर आप ये वाला मान लिख देंगे, वन प्लस टू कॉस थीटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा, नीचे में जो भी टर्म लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे, साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक आया सभी लोगों को समझ में, तो यहाँ आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या करेंगे, वन प्लस वन क्या होगा, टू हो जाएगा, यहाँ पर वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू प्लस ये क्या लिखे देंगे इसको, टू कॉस थीटा, क्लियर है। तो 2 cos थीटा आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखते जाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपको कॉमन लेना पड़ सकता है, इसीलिए हम लोग नीचे को एज इट इज लिखते जाते हैं, ठीक है। तो sin थीटा इंटू वन प्लस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूले का है, मैं इसको एक डिब्बे में डाल देता हूँ, आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, अगर न्यूमरेटर में देखेंगे तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू
वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कुछ इस तरीके का टर्म हमको मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर में भी वन प्लस कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर में भी वन प्लस कॉस थीटा है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे ना, क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, दोनों में वन प्लस कॉस थीटा है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कुछ इस तरीके का टर्म हमारे पास आएगा टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे टू इंटू वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, टू का मल्टीप्लीकेशन वन के साथ होगा तो टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो जाएगा, तो टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू वन बाई साइन थीटा, ठीक है। और हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है, उल्टा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कोसेक थीटा। तो देखो वन बाई साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन बाई साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा, तो यहाँ पर वन बाई साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू इंटू वन बाई साइन थीटा की जगह पे क्या लिख देते हैं, कोसेक थीटा लिख देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कि हमारा जो राइट हैंड साइड है, हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, टू कोसेक थीटा, तो उसके इक्वल आ गया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिया था, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया था और उसको सॉल्व किया, तो ये किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड के इक्वल आया। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ किया, जो भी बेसिक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में, उसी बेसिक फॉर्मूला का यूज किए हैं और इसको प्रूफ किए हैं, ठीक है। सिर्फ इतने स्टेप्स करने हैं आपको और आपको छह नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आता ही है आप लोगों के एग्जाम में, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, इस तरीके को एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये तो 2018 में आया था, अब 2019 का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। तो दूसरा क्वेश्चन आज का लेते हैं हम लोग, वो है cos थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये गिवन है आप लोगों को। तो इसमें क्या करना है सर, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन पूछा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या क्वेश्चन पूछा है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, कुछ भी नहीं, ये भी क्या है, परिमेय के फॉर्म में दिया हुआ है, इसके फॉर्म में दिया हुआ है, परिमेय के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले ऐड करते हैं, तो ऐड कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सिंपल जैसा पहले क्वेश्चन में किए थे उसी की तरह इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन कोसेक थीटा माइनस 1 के साथ कर देंगे, ठीक है। एकदम सिंपल सा आपका स्टेप है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके डिनोमिनेटर में, मतलब हर में रख देते हैं, ठीक है, नीचे रख देंगे कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1, जैसा कि हम लोगों ने पहले के क्वेश्चन पे किया है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो बीच में किसका साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो ये होगा कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 1, बीच में किसका साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, फिर इस कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1, कुछ इस तरीके से हमारे पास एक टर्म आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, इस कोसेक थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब आगे का स्टेप क्या करेंगे, आगे के स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, कैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन पहले इसके साथ करेंगे, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर देंगे 1 के साथ, ठीक है। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन कोसेक थीटा के साथ करेंगे तो क्या आएगा,
कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन वन के साथ करेंगे, तो वन का मल्टीप्लीकेशन किसी के साथ भी करते हैं तो उतना ही वैल्यू आता है। जैसे टू इंटू वन करेंगे तो टू आएगा, फोर इंटू वन करेंगे तो फोर आएगा, एक्स इंटू वन करेंगे तो एक्स आएगा, तो कॉस थीटा इंटू वन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है कॉस थीटा, ठीक है। बीच में किसका साइन, प्लस का साइन, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। इस कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन सेम एज इट इज यहाँ पर करेंगे पहले, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन वन के साथ करेंगे, बीच में प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन कोसेक थीटा के साथ होगा, तो कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन वन के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ओपन कर दिया हम लोगों ने। अब नीचे देखते हैं तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, एक फॉर्मूले के फॉर्म पे दिख रहा है ना, कोसेक थीटा प्लस वन, कोसेक थीटा माइनस वन, एक फॉर्मूले के फॉर्म पे दिख रहा है। कौन से फॉर्मूले के फॉर्म पे दिख रहा है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में दिख रहा है। अरे इसको देखो, ये ए है, बीच में प्लस है, ये बी, तो ये इसको ए प्लस बी के फॉर्म पे लिख सकते हैं और ये ए माइनस बी के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। इसको मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में देखेंगे ये प्लस कॉस थीटा है, ये माइनस कॉस थीटा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा को हम लोग कैंसिल आउट कर दिए कर देंगे, ठीक है। अब बचेगा क्या हमारा, कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे ना, जैसे एक्स प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है ना, तो cosec थीटा प्लस cosec थीटा क्या हो जाएगा, 2 सॉरी cos थीटा cosec थीटा, और cos थीटा cosec थीटा को जब ऐड करेंगे तो 2 cos थीटा cosec थीटा हो जाएगा ना, तो यहां पर लिख देंगे 2 cos थीटा cosec थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय। अब एक और फॉर्मूला आप लोगों को याद हो रहा आ रहा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू भी कुछ होता है, तो क्या होता है, आप लोग अगर पिछले के लेक्चर में देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इन सभी के इक्वल टू में क्या है, टू है, तो हम लोग यहाँ पर इक्वल टू में क्या लगाते जाएंगे, टू लगाते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 cos थीटा cosec थीटा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा cosec थीटा डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, cos थीटा cosec थीटा डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, कोसेक थीटा क्या होता है, वन बाई साइन थीटा, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हम लोग कोसेक थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वैसा ही लिख देते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा की जगह पे लिख देते हैं वन बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। अब cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, वही cos थीटा ही आएगा ना, तो यहां पर cos थीटा डिवाइडेड बाय मैं sin थीटा लिख दूं डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना, कौन सा फार्मूला पढ़ा है, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
cos theta divided by sin theta, क्या होता है cos theta is equals to cos theta divided by sin theta होता है ना, तो cos theta divided by sin theta की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cot theta लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ cot theta, इसके जगह पे मैंने लिख दिया cot theta, क्या लिख दिया मैंने cot theta, और नीचे तो पहले से ही cot square theta है, उसको मैंने as it is उतार दिया, ठीक है। अब देखेंगे cot theta ऊपर भी है ना, cot theta नीचे भी है ना, तो एक cot theta क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 by cot theta is equal to 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 1 by cot theta is equal to 1। अब एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना सर, कितना फॉर्मूला पढ़ाओगे, तो हम लोगों ने पढ़ा है tan theta is equal to 1 by cot theta, ये सब फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने का जरूरत नहीं है, आप लोग बस मेरा पहले का लेक्चर देखते जाइए, आप लोगों को कैसे याद करना है ये सभी ट्रिक मैंने आपको बताया है। तो tan theta is equal to क्या होता है, 1 by cot theta होता है, तो 1 by cot theta की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ आगे सॉल्व करते हैं इसको, tan theta is equal to 1। अब मैंने एक टेबल याद कराया था जिसमें tan theta का वैल्यू कौन से वैल्यू पर 1 होता है, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा तो tan theta का वैल्यू 1 कब होता है, तो tan theta का वैल्यू होता है 1 tan 45 डिग्री पे, इस पे होता है tan 45 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर tan theta is equal to क्या आ जाएगा, tan 45 नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, tan 45 डिग्री पर इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको सॉल्व किया, जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं मैंने उसको एक साइड पे लिख दिया, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, वैसे आप लोगों ने अगर मेरा पहले का लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों को याद हो गया होगा सभी फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, थीटा का वैल्यू निकाला, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा दो क्वेश्चन देखा जो 6 मार्क्स का आता है, अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे तो मैं आपको पूरे बोर्ड के सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा, और यकीन मानिए कि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा, आपको देखते ही उसका आंसर पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और आप 5 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और आप 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 75 out of 75 आप एग्जाम में पाएंगे, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन को ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल कौन सा क्वेश्चन आया था, वो मैं सब लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।